हाय सलाम जोधपुर, मैं हूँ रेक्स आपके साथ 94.3 माय एफएम पर, और आज एक नई कोशिश के साथ। एक सेठ जी हुआ करते थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था। अपने बिजनेस और अपने काम से उन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई, कभी अपनों को टाइम नहीं दिया, ना ही खुद जिंदगी जीने की कोशिश की। एक सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यमराज आए और सेठ जी को बोले कि सेठ जी नाउ टाइम टू पैक अप। सेठ जी मुस्कुराए और यमराज को बोले कि अरे मेरे पास बहुत दौलत है यमराज जी, आप कुछ ले लो और कुछ दिनों की मोहलत मुझे दे दो। यमराज जी ने कहा आप अपना समय खराब ना करें और जल्द से चलें। सेठ जी ने कहा ठीक है 10 करोड़ रुपए ले लो, मुझे एक दिन की मोहलत दे दो। यमराज जी ने कहा नो। सेठ जी ने कहा 20 करोड़ रुपए ले लो, मुझे शाम तक की मोहलत दे दो। यमराज ने कहा आप क्यों कोशिश कर रहे हैं, आपका समय आ चुका है, आपको जाना होगा। सेठ जी ने बोला मेरी पूरी दौलत ले लो जितनी मैंने कमाई है और मुझे 1 घंटे का समय दे दो। यमराज जी ने कहा नो। सेठ जी की आंखें नम हो गई और सेठ जी ने बोला कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए यमराज, मुझे खत लिखने का मौका दीजिए, एक लेटर लिखना चाहता हूं मैं। यमराज ने कहा ठीक है लिख दीजिए। उन्होंने खत लिखा और उस खत का शीर्षक यह था कि जो भी इस खत को पढ़े उस इंसान से मेरी गुजारिश है कि ये अपने आसपास, अपने सोसाइटी, अपने करीब रहने वाले हर इंसान को यह खत पढ़ाएं कि जिंदगी में आप चाहे कितनी भी दौलत कमा लीजिए, आप अपने लिए एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं कमा सकते। इसलिए हो सके तो थोड़ा सा समय अपने परिवार, अपने चाहने वालों के साथ बिताइए, जीवन को थोड़ा एंजॉय कीजिए, क्योंकि जब आपका आखिरी टाइम आता है ना तो आपकी करोड़ों अरबों की दौलत भी आपको 1 घंटे का समय एक्स्ट्रा नहीं दे पाती। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, इसलिए इसे जियो दिल से। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन जो भागे पड़े हैं, दौड़ रहे हैं अपनी जिंदगी में कई सारी ख्वाहिशों को पूरा करने में, थोड़ा सा जिंदगी भी जी लीजिए, क्या पता ये जिंदगी कल हो ना हो। जियो दिल से।